ओके, तो मैं तीन तक गिनूंगा, उसके बाद हम सभी ने इकट्ठे स्माइल करनी है। वन टू। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हाँ मेरी स्माइल अच्छी नहीं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, और आज मैं आपको ऐसे थ्री इजी टिप्स बताने वाला हूँ जो आपकी स्माइल को अट्रैक्टिव नहीं किलर बनाएंगी। दैट्स इंटरेस्टिंग बॉयज, लेट्स हॉप इनटू। स्माइल का मतलब हमें इतने इतने रीजन को कमाल का बनाना है, तो स्टार्ट करते हैं। नंबर वन इज वाइटन योर टीथ। इट डजेंट मैटर कि आपके कितने दांत हैं, अगर आपके दांत पीले हैं, उनके ऊपर स्टेन्स लगे हुए हैं, किसी भी चीज के दाग लगे हुए हैं, तो अब इसके ऊपर भी वीडियो आने वाली कि हाउ टू वाइटन योर टीथ होम इंग्रेडिएंट के साथ, बहुत ही आसान है, स्टे ट्यून्ड। तो आपके वाइट टीथ होंगे तभी आपकी स्माइल जो है क्लियर लगेगी, और ये सब इंपॉर्टेंट होती है जब भी आप स्माइल कर रहे हैं ना, तो ये चीज डेफिनेटली नोटिस करते हैं लोग। नंबर टू इज यू नीड अ सॉफ्ट एंड स्मूथ। अज्यूम करो आप स्माइल कर रहे हो और आपके लिप्स जो है वो कटे फटे हुए पड़े, क्रैक लिप्स है पूरे, तो आसान तरीके इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक छोटी सी डिब्बी है मेरे पास, देट इज वैसलीन की, तो थोड़ा सा लिया, बिंग बूम एंड बैम, लगा लो, सोने से पहले आपको लगाना है और जाके सो जाइए। एंड फाइनल नंबर थ्री इज लर्न द स्माइल ट्रिक। ज्यादा आसान तरीका बता रहा हूँ, मिरर के सामने जाइए, प्रैक्टिस करिए स्माइलिंग की, कि आपकी कितनी लेंथ की स्माइल अच्छी लगती है, दांत अंदर रख के स्माइल अच्छी लगती है या फिर दांत बाहर रख। लेकिन एक बात डेफिनेटली ध्यान रखना कि दांत बाहर रख के स्माइल करना वो ज़्यादा किलर स्माइल मानी जाएगी। दांत बाहर रख के आपको स्माइल करनी है, बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है मिरर के सामने। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे फेशियल एक्सप्रेशन की अपनी स्माइल की, उतनी ज़्यादा आपकी स्माइल परफेक्ट बनती जाएगी, उतनी ज़्यादा आपकी स्माइल किलर बनती जाएगी। और एडिशनल दो पॉइंट भी ध्यान में रखना है, यानी कि ओवरऑल 3 points। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो को सीखने को मिला तो इस वीडियो लाइक तो जरूर कर देना, और चैनल पर नएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस डेफिनेटली कर देना, ताकि आपको स्टाइल ग्रूमिंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट से वीडियोस मिलती रहे। दैट्स टुडे बॉयज, सी यू नेक्स्ट टाइम।